हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे क्रिकेट का आखिरी बॉल और बैट का ही पूरा खेल होता है। यहाँ पे हर मैच में रिकॉर्ड बनते और टूटते नजर आते हैं। यहाँ पे रनों की बारिश भी होती है, विकेट्स का पतझड़ भी देखने को मिलता है। अब तक सभी मैच रोमांचक और टक्कर के हो रहे हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट का 18वें मैच की, जो कि खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। इन दोनों की टक्कर होती तो मैच काफ़ी रोमांचक हो जाता है। यह मैच आपको 5 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर सूर्या भाई का नंबर दिया हुआ, आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में अब तक टोटल 19 मैच खेले गए, जिसमें से चेन्नई 14 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर हैदराबाद 5 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे हैदराबाद के पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते जहाँ पे एसआरएच ने यहाँ पर आईपीएल इतिहास की हाईएस्ट स्कोर 277 रन बनाया था, यहाँ पे बॉलर्स के लिए यहाँ पे हेल्प नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 43% रहेगा और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 39% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 60% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 149 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी सनराइजर हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, टीम अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है लेकिन ज़्यादा जीत नहीं पाई, टीम का परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव वाला है। टीम अब तक 3 मैच खेले जिसमें से एक ही मैच में जीत मिली है, लास्ट गेम में टीम गुजरात से हार गई थी। पैट कमिंग्स जो टीम के कप्तान है, टीम की बैटिंग ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है, जहां पे आपको ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, नंबर 3 पर जहां पे अभिषेक शर्मा जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में जहां पे एडम मक्राम, एनिर क्लासन जो टीम के लिए प्लस पॉइंट है, लोअर ऑर्डर में जहां पे शहबाज अहमद, अब्दुल समद जो कि लास्ट गेम में पार्टनरशिप बिल्ड की थी, जहां पे वाशिंगटन सुंदर को लास्ट गेम में चांस मिला था, वहीं बॉलिंग में टीम टारगेट सेव नहीं कर पाई थी, भुवनेश्वर कुमार जो अब तक विकेट नहीं ले पाए, जहां पे पैट कमिंस टीम के टॉप विकेट टेकर भी है, जहां पे आपको मार्को जेंस जो कि लास्ट गेम में बाहर कर दिया गया था, स्पिन बॉलिंग में आपको मयंक मार्कंडे है, जयदेव उनादकट जो विकेट नहीं ले पा रहे, इमरान मलिक जो लास्ट गेम में ड्रॉप कर दिए गए। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडम मक्राम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंग्स है और जयदेव उनादकट है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि अभिषेक शर्मा है, हेनरी क्लासन है और पैट कमिंग्स है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे चेन्नई ने पहले दोनों मैच जीतकर टूर्नामेंट का आगाज अच्छा किया, पहले मैच में जहां पे आरसीबी को, तो वहीं सेकंड मैच में गुजरात को हरा दिया, लेकिन लास्ट गेम में टीम को झटका लगा जब कमजोर दिख रही दिल्ली से सीएसके को हरा दिया गया। अब टीम फिर से जीत की राह पे आना चाहिए, इस मैच में आपको टीम प्लेइंग 11 में 2-3 बदलाव कर सकती है, जहां पे ओपनिंग में टीम के लिए रचिन रवींद्र और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों लास्ट गेम में फ्लॉप हो गए थे, नंबर 3 पे जहां पे भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे जो कि 45 रन बनाए थे, वहीं पे मिडिल ऑर्डर में डैरी मिचेल, शिवम दुबे जो कंसिस्टेंट होकर परफॉर्म भी कर रहे हैं, जहां पे लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग के लिए जडेजा, समीर रिजवी हैं, धोनी ने लास्ट गेम में पहली बार बैटिंग की और जबरदस्त बैटिंग करते हुए 16 गेंद में मात्र 37 रन कूट दिए। वहीं बॉलिंग में सभी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जहां पे दीपक चहर जो कि लास्ट गेम में विकेट लेस थे, जहां पे शार्दुल ठाकुर को चांस नहीं मिला अब तक, तुषार देशपांडे उनकी जगह खेल रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा विकेट नहीं ले पा रहे हैं, बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान जो टीम के मोस्ट विकेट टेकर है, उन्होंने 7 विकेट लिए थे, जहां पे मथीसा पतिनाना जो कि लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं चेन्नई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे रचिन रवींद्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे, डैरी मिचेल है, शिवम दुबे, समीर रिजवी, एमएस धोनी है, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि रचिन रवींद्र है, शिवम दुबे है, मुस्तफिजुर रहमान है,
तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर चेन्नई सुपर किंग्स होगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनर देखते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर भी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स होगा। यहाँ पे हैदराबाद को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।